हजारों साल पुरानी बाबा कीनाराम व अवधूत भगवान राम की तपस्थली व महर्षि विश्वमित्र की जन्मस्थली बौढ़िया शक्तिपीठ को कमेटी बनाकर कब्जा करने का कुचक्र रचने वाले स्थानीय लोगों के कृतज्ञों की सूचना पाकर नेपाल से पहुंचे तेजस्वी संत शिवाराम बाबा ने पीठ में दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद भी लिया। मठ को काले रंग से रंगे जाने व गर्भगृह में योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाए जाने के मामले को उन्होंने ये कहकर खारिज कर दिया कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वह ओधर समाज के हितैषी या रक्षक नहीं हो सकते। यह मुख्यमंत्री के साथ साथ अवधूत भगवान राम का अपमान है। बताया जाता है कि लंबे समय से कमेटी बनाकर इस सिद्धपीठ पर स्थानीय लोगों ने कब्जा जमा लिया है, जबकि इस पीठ के सुंदरीकरण व विकास के लिए सर्वेश्वरी समूह से जुड़े भक्तों ने लाखों रुपया खर्च कर इसे रमणीय बनाने का काम किया है। इस बीच कमेटी के लोगों ने इस सिद्धपीठ को साधना का केंद्र बनाने के बजाय कमाई का केंद्र बनाने की कोशिश किया है। नगर पालिका के रिकॉर्डों की माने तो सिद्धपीठ हड़पने के लिए बनाई गई गठित कमेटी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को दिए गए पत्र में कहा गया है कि परिसर में बनाए गए कमरों व गौशाला की जगह का प्रयोग शादी विवाह के लिए किया जा सकता है और इससे कुछ आय भी हो सकती है। नगर पालिका की ओर से अगर इसकी इजाजत दी जाए तो गठित कमेटी नगर पालिका को टैक्स भी देगी, यानी सिद्धपीठ को हड़पने के लिए नगर पालिका को भी रेवड़ी डाली गई है। इस बात की जानकारी होने के बाद ओघड़ समाज में हड़कंप मचा हुआ है। के दोनों पुत्रों को इस इलाके में लाए थे और निशाचर विहीन करके वापस गए दोनों पुत्र। आज फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और निशाचरों की संख्या बढ़ गई। आप लोग सरकार से किस तरह की मांग और किस तरह से अपेक्षा करते हैं? एक साधु समाज से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री है और आपको क्या लगता है किस तरीके की पहल होनी चाहिए? अब उनके स्तर तक बात पहुंचाने की चेष्टा हो रही है। अब तो हमारे यहाँ के वरिष्ठ सहयोगी हैं सदस्य संजय सिंह जी, जिन्होंने मुख्य सचिव वगैरह तक और सचिव तक बातें की हैं क्या, और इन लोगों की चालाकी देखिए इन कमेटी वालों की कि योगी आदित्यनाथ जी का एक चित्र भी ले आ करके वहाँ उन सबों ने कमरे में रख दिया है, केवल इसलिए कि अगर यहाँ से कुछ भी होता है तो हम लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं, सीएम और एक योगी का चित्र भी इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया या स्थानांतरित किया, जबकि न योगी के प्रति किसी के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है, केवल अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा कवच के रूप में उन लोगों ने मुख्यमंत्री की फोटो वहाँ पर लगा दी कमरे में जिसमें ये सब धुनी जलवा रहे हैं है? और उसमें ताला बंद है, सामान्य लोग नहीं जा सकते, यही लोग जब आएंगे जाएंगे तब ताला खुलता है।